समाजवादी पार्टी में भी बगावती सुर। मुलायम सिंह के बाद एसपी नेता अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, कहा कांग्रेस से गठबंधन बर्दाश्त नहीं। योगी के बगावती मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा यही रहे हालात तो जनता दूसरा विकल्प चुन लेगी। वाराणसी में गंगा प्रोजेक्ट के तहत तोड़े जाने वाले अवैध निर्माण पर शंकराचार्य ने जताई नाराजगी, कहा गंगा से छेड़छाड़ करने पर सर्वनाश निश्चित। कन्नौज में ई रिक्शा बना मासूम के लिए काल, अवैध रूप से चार्ज किए जाने पर करंट लगने से 2 साल के बच्चे की मौत। वाराणसी जिला जेल में डीएम और एसएसपी ने की छापेमारी, 8 मोबाइल और 9 सिम बरामद। मऊ में हर्ष फायरिंग में दूल्हे के चाचा को लगी गोली, दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट, बिना शादी लौट आई बारात। वाराणसी में गंगा का जल स्तर चिंताजनक स्थिति तक गिरा, डीएम ने लिखी सरकार को चिट्ठी, 56 मीटर तक नीचे आया वाटर लेवल। आत्महत्या रोकने के लिए बांदा पुलिस की अनूठी पहल, शुरू किया लव यू लाइफ कैंपेन, सोशल मीडिया के जरिए जन संपर्क बढ़ाने की भी कोशिश। यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल का रिजल्ट घोषित, हैदराबाद के अनुदीप ने किया टॉप, हरियाणा की अनुकुमारी रही दूसरे पायदान पर। और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनी फिल्म पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकी रिलीज, थिएटर मालिकों को मिल रही थी धमकियां।